गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ प्रकल्प से बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होकर इस प्रकल्प से विदर्भ में औद्योगिक क्रांति आएगी, ये प्रतिपादन राज्य के नगर विकास मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। एटापल्ली तहसील के सूरजागढ़ लोहा खनिज पहाड़ी पर लॉयड मेटल कंपनी में रोजगार प्राप्त कामगारों को नियुक्ति पत्र, ब्लैक चेन पर आधारित जाति प्रमाण पत्र, वन जमीन पट्टे तथा आदिवासी विकास विभाग के माध्यम से तैयार किए गए इमारत का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वो बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधीश संजय मीणा ने की। विशेष अतिथि के रूप में विधायक धर्मराव बाबा आत्राम, पुलिस उप महानिरीक्षक संदीप पाटिल, त्रिवेणी अर्थ मूवर्स के प्रबंधकीय संचालक बी प्रभाकरण, उप विभागीय अधिकारी शुभम गुप्ता, गुजरात के पूर्व पुलिस महासंचालक खंडेलवाल आदि मान्यवर उपस्थित थे। पालक मंत्री शिंदे ने आगे कहा कि स्थानीय नागरिक व पुलिस विभाग के सहयोग से सूरजागढ़ लोह खनिज प्रकल्प शुरू होकर अनेक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला है। लॉयड्स मेटल कंपनी व त्रिवेणी अर्थ मूवर्स कंपनी के प्रबंधन द्वारा गढ़चिरौली जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पीने का शुद्ध पानी, सड़क ऐसी बुनियादी सुविधाओं के लिए 20,000 करोड़ की निधि खर्च की जाएगी। आलापल्ली में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल तैयार किया जाएगा, ऐसी बात पालक मंत्री शिंदे ने कही। और वो भी हमें यहाँ पर उसका काम मतलब जो करना है उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो भी हम लोग शुरू करेंगे ताकि यहाँ पर पूरी तरह बदलाव हो जाएगा। ये विदर्भ में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो जाएगी और उसमें इस प्रकल्प का बहुत बड़ा योगदान निश्चित रूप से होगा। इसलिए हम लोग सभी लोग राज्य सरकार, मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय होंगे, हमारे गृहमंत्री होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, ये पूरी तरह इस योग इस प्रकल्प में जितनी भी अड़चने हैं उसे दूर करेंगे। हमारे क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के लोकल लोगों को काम देना, लोकल लोगों को ट्रेंड करना, उनको सिर्फ अनस्किल्ड नहीं रखना है, हमें उनको स्किल्ड एजुकेशन भी देना है, उनको पूरी तरह प्रशिक्षित करना है ताकि ये जो बच्चे यहाँ के वो भी और जो जिले हैं जैसे वहाँ का बच्चों को जो शिक्षा मिलती है, एजुकेशन मिलता है, फैसिलिटी मिलती है, वो भी देने का काम हम लोग इस जगह पे करेंगे ताकि ये भी जिला अन्य जिलों के मात्र तरह विकास की ओर जाएगा और यहाँ इस लोगों का भी विकास होगा। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का सपोर्ट से हम इतना प्रोग्रेस किया। अभी कौन से दिन में हम प्लांट का सिविल वर्क भी शुरू कर दिया। हम आज ये दिन में बोल रहा हूँ सर, जनवरी हम उसका प्रोडक्ट ले जाऊंगा। और सर हमका महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और जमीन और हमारा थोड़ा रेलवे का नेटवर्क आया तो हम इधर ही स्टील प्लांट बनाने के लिए बहुत कोशिश किया सर। 20,000 करोड़, 1 करोड़ नहीं है सर, 20,000 करोड़ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हम इन्वेस्ट करूंगा। पूरा ओन ऑपरेटर पे हमारा डाउनलोड करेगा सर, ये हमारा कमिटमेंट है सर ऑन बिहाफ ऑफ लॉयड स्टील। और हम लोग का हॉस्पिटल फैसिलिटी के लिए मैं जमीन पूछा सर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, वो होगा तो आलापल्ली में एक मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक होगा, उस हम लोग के लिए नहीं गाँव लोग के लिए भी बहुत सुविधा होगा सर। आज हेड्री में कोई नहीं आ रहे थे, आज हमारा डिस्पेंसरी उधर है सर, महिला लोग 24 आवर्स वो हमारा फील्ड नर्सेस है सर, बहुत धन्यवाद दे देता हूँ, वो लोग 24 आवर्स काम कर रहे हैं, उनका इतना हमारा साथ है तो हमारा प्लस आदमी आप लोग गाँव लोग साथ में है। तो वीकेबी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से गणेश शिंगाड़े की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।